छह नंबर में क्या कह रहा है, वर्गों के खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा नहीं होती है यदि वही वर्ग खाली स्थान ना हो। समझ लीजिए, एक्चुअल में ये वर्गों के खुले सिरे मतलब क्या है, समझिए। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन में देता है इस तरह का, यहाँ पे वर्ग दे देगा या वर्ग अंतराल दे देगा और यहाँ पे उसकी बारंबारता दी गई, बारंबारता दी होगी। अब मैं यहाँ कह देता हूं कि 10 से कम और यहां लिख देता हूं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और यहां लिख देता हूं 40 से अधिक, 40 और 40 से अधिक की बात यहां कर लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां पे इसकी निम्न सीमा गायब है, 10 से कम है इसकी निम्न सीमा निर्धारित नहीं है और यहां पे उच्च सीमा निर्धारित नहीं है। तो इसी प्रकार के वर्ग जो होते हैं आपके खुले सिरे वाले वर्ग कहलाते हैं। तो जब खुले सिरे का वर्ग होगा तो इस कंडीशन में माध्यक गणना करने में असुविधा कब नहीं होगी, यदि वही वर्ग माध्यक वर्ग ना हो, यानी कि यह वर्ग खुला सिरा वाला वर्ग अगर माध्यक वर्ग ना हो, है ना, ये अगर माध्यक वर्ग ना हो तो आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे इसका माध्यक, यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग यहां लिखेंगे, माध्यक वर्ग कहेंगे। चलिए।